ये जो पूरा डायग्राम देख रहे हैं दोस्तों, इसका नाम फिएट पॉकी है, अर्थात यह फिएट पॉकी कहलाता है और ये एलएचबी कोच में लगा हुआ होता है। जैसा कि यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं दोस्तों, ये सबसे ऊपर क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, उसके बाद बोगी फ्रेम को दिखाया गया है जो कि लिफ्ट कर दिया गया है, और इस साइड में जो देख रहे हैं दोस्तों वहाँ पे प्राइमरी स्प्रिंग असेंबली को दिखाया गया है, और ये वाला जो देख रहे हैं पार्ट दोस्तों, ये प्राइमरी स्प्रिंग असेंबली के जस्ट बगल में लंबा वर्टिकल टाइप का ये प्राइमरी डैम्पर है। नेक्स्ट में जानते हैं दोस्तों प्राइमरी स्प्रिंग असेंबली में क्या क्या पार्ट्स होता है। प्राइमरी स्प्रिंग असेंबली में जो फ्रेम होता है उसके जस्ट नीचे रबर पेड लगा हुआ होता है, उसके बाद स्प्रिंग गाइड होता है, उसके बाद आउटर स्प्रिंग होता है, उसके बाद इनर स्प्रिंग होता है, उसके बाद बम्प स्टॉप होता है, उसके बाद लोअर गाइड होता है दोस्तों। ये हमारा प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग है, अर्थात प्राइमरी स्प्रिंग असेंबली में इतने पार्ट्स लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट में आप लोग जैसा देख रहे हैं यहाँ पे, ये बेयरिंग असेंबली कहलाता है, ये पूरा यहाँ पे बेयरिंग असेंबली होता है, और यहाँ पे स्पीड सेंसर ये वाला लगा हुआ होता है, और यहाँ पे ये अर्थिंग इक्विपमेंट जुड़ा हुआ होता है, और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं दोस्तों उसको कंट्रोल आर्म कहा जाता है। ये वाला दोस्तों ये व्हील और एक्सल का असेंबली है, ये वाला एक्सल कहलाता है, जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों ये ब्रेक डिस्क कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेक डिस्क, जो कि फिएट बोगी में लगा हुआ होता है। नेक्स्ट पार्ट दोस्तों, ये प्राइमरी स्प्रिंग को यहाँ से हटा दिया गया है, प्राइमरी स्प्रिंग के जस्ट बगल में जो ये देखते हैं लंबा खड़ा वाला, ये प्राइमरी डैम्पर कहलाता है, और ये वाला पार्ट जो देखते हैं दोस्तों इसको कंट्रोल आर्म कहा जाता है, जैसा कि आप लोग को यहाँ पिक्चर में दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट जानते हैं सबसे ऊपर का पार्ट जो देख रहे हैं दोस्तों, ये बोगी प्लास्टर कहलाता है, आपको फिगर में एरो के चिन्ह के साथ दिखाया जा रहा है, और ये सेकेंडरी स्प्रिंग असेंबली के जस्ट बगल में जो देख रहे हैं खड़ा वाला, ये सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर कहलाता है, और ये पूरा जो सेकेंडरी स्प्रिंग का जो पार्ट देख रहे हैं इसको नेस्टेड सेकेंडरी स्प्रिंग असेंबली कहा जाता है, और उसके जस्ट नीचे जो देख रहे हैं ये पीछे टाइप का ये योर डैम्पर कहलाता है, और ये जो ब्रेक डिस्क के साथ जो लगा हुआ पार्ट देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा का पूरा ब्रेक कैलिपर यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट पार्ट में सेकेंडरी स्प्रिंग सिस्टम में क्या क्या चीज लगा होता है। सबसे ऊपर जो देख रहे हैं वो बोगी ब्लस्टर होंगे, सेकेंड बोगी ब्लस्टर जो है वो सेकेंडरी स्प्रिंग असेंबली के ऊपर शिफ्ट होता है, और इसमें सबसे ऊपर जो है माइनर पेड लगा हुआ होता है, उसके बाद स्प्रिंग गाइड लगा हुआ होता है, उसके बाद आउटर स्प्रिंग होता है, उसके नीचे अंदर स्प्रिंग होता है, इनर स्प्रिंग होता है, और सबसे अंदर में रबर स्प्रिंग होता है दोस्तों। ये सेकेंडरी स्प्रिंग सिस्टम में इतने। नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं, ब्लस्टर को यहाँ से हटा दिया गया है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पिक्चर में, और ये वाला जो देख रहे हैं दोस्तों ये लेटरल डैम्पर कहलाता है, जैसा कि आपको एरो चिन्ह के साथ यहाँ पे दिखाया गया है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदरूनी साइड में जो देख रहे हैं दो बम्प स्टॉप लगा हुआ था, एक बम्प स्टॉप को लेटरल बम्प स्टॉप कहा जाता है और दूसरे को लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप कहा जाता है, जो गाड़ी के समानांतर होता है उसको लॉन्गिट्यूडनल, और जो गाड़ी के क्रॉस सेक्शन एरिया में होता है उसको लेटरल बम्प स्टॉप। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं, क्रॉस सेक्शन को लिफ्ट कर दिया गया है, क्रॉस सेक्शन को लिफ्ट करने के बाद आप लोग देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो है एंटी रोल असेंबली कहलाता है, इसको नेक्स्ट पिक्चर में हम दिखाएंगे बाहर करके, और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं दोस्तों इसको ट्रैक्शन सेंटर कहा जाता है, ट्रैक्शन सेंटर के जस्ट बगल में जो देख रहे हैं वो ट्रैक्शन लीवर रहता है, और ये फ्रेम के साथ लास्ट कॉर्नर में देखिएगा एक बॉल टाइप का लगा हुआ रहता है, उसको कर्व रोल कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पिक्चर में हम लोग एंटी रोल असेंबली को आउट करके दिखा रहे हैं, ये एंटी रोल असेंबली का पूरा डायग्राम है, इसको एंटी रोल असेंबली कहा जाता है जो फिएट बोगी में यहाँ पे लगा हुआ है। नेक्स्ट में जानते हैं दोस्तों ये बॉडी बोगी कनेक्शन, बॉडी और बोगी कनेक्शन जो है ये ब्लस्टर के साथ इसी जगह पे कनेक्ट होता है, जैसा कि आप लोग दिखाया जा रहा है इस पिक्चर।
नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं ये ट्रैक्शन सेंटर को यहाँ से बाहर करके दिखाया गया है। इस तरह ट्रैक्शन सेंटर का आकार होता है, इसको ट्रैक्शन सेंटर कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और मार्गदर्शित करें कि वीडियो हम कैसे बनाएं ताकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। थैंक यू दोस्तों।